So students, let us start with law of conservation of momentum. अब ये law of conservation of momentum क्या कहता है? तो normally हम लोग system of particle पढ़ते हैं. तो ऐसा मान लिया जाए कि दो particle एक दूसरे से टकरा रहा है, तो इन दोनों body जो एक दूसरे से collide कर रहा है, इन दोनों का momentum जो collision से पहले होगा वही इनका momentum कोलिजन के बाद भी होगा. टकराव से पहले का जो इनका टोटल मोमेंटम होगा वही टोटल मोमेंटम होगा टकराव के बाद. ठीक है, इस चीज़ को समझना भी है और हमें इसे डिराइव भी करना है. तो एग्ज़ाम में ये डेरिवेशन के लिए भी आता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो हम कहेंगे भाई टोटल मोमेंटम मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to total momentum after collision. या दूसरा वर्ड में इसको और पढ़ सकते हैं हम लोग, कैसे कह सकते हैं, the total initial momentum is equal to total final momentum. जब दो बॉडी का टक्कर होगा, मतलब इसी डिनोशन में हम इस चीज़ों को पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को. ऐसा माना जाता है कि दो बॉडी टकरा रहा है एक दूसरे से, बराबर इसी चीज़ में हम उसको पढ़ते हैं. तो आगे यहाँ से ये बोल सकते हैं, द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड The total momentum of a system of two or more particles is conserved. यहीं से उसका नाम आया law of conservation of momentum. अब थोड़ा इसे समझ लेते हैं. तो बच्चों ऐसा मान लिया जाए कि ये एक body है जिसका mass है m1 और ये body initially U1 से चल रहा है, बराबर इसका जो साथी बॉडी है उसका मास अगर हमने मान लिया M2 और ये जो चल रहा है वो इनिशियल वेलोसिटी U2 से चल रहा है. अब मैंने आपको एक कंडीशन दे दिया, वो कंडीशन ये है कि भैया U1 इज ग्रेटर देन U2, U1 इज ग्रेटर देन U2 और दोनों बॉडी M1 M2 सेम लाइन में चल रहे हैं. तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये दोनों बॉडी कर जाएंगे कोलाइड. M1 जाके M2 को टक्कर मार देगा, बराबर क्योंकि दोनों सेम लाइन में है. U2 स्लोअर चल रहा है, M2 स्लोअर चल रहा है और M1 जो है वो तेज है और दोनों सेम लाइन में है. तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि भाई M1 जाके M2 को टक्कर मारेगा. जब टक्कर मारेगा तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स होगा, ये सर नो. जब टक्कर मारेगा तो M1 एक फोर्स लगाएगा M2 के ऊपर और M2 उसी का ऑपोजिट फोर्स लगाएगा M1 के ऊपर. तो देर विल बी एन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर हियर, इजंट इट? ओके, तो मान लिया ये जाए कि भाई चलो जब इनका टकराव हो गया, टकराव के बाद जो M1 था वो भाग गया वेलोसिटी V1 से और जो M2 था वो फाइनली भाग गया फाइनल वेलोसिटी V2 से. तो ये सब हमने कंसिडर कर लिया. तो बच्चों ये केस में, ये जो बिफोर कोलिजन वाला केस है, ये बिफोर कोलिजन टकराने से पहले का केस, इसमें यहां पर यह मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम के डेफिनेशन के हिसाब से मोमेंटम क्या होगा यहां पर? तो इस केस में मोमेंटम होगा M1 U1. यहां पर मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी M2 U2. तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, तो इन दोनों को प्लस कर दो. तो दिस इज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, क्या है, M1 U1 प्लस M2 U2. अब बच्चों यहां पर चले जाओ, यहां पर मोमेंटम क्या है, तो मोमेंटम है M1 V1. यहां पर मोमेंटम क्या है, M2 V2. और टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा कोलिजन के बाद, टकराने के बाद,
m1 v1 plus m2 v2. So this is total momentum after collision. Total momentum after collision. हमें यही प्रूव करना है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ये बात को प्रूव करना है, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. ये बात हमको प्रूव करना है. ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. तो हम लोग ये कहेंगे कि जब इनका टकराव हुआ रहेगा, तो ऐसा मान लिया जाता है कि इनके में जो फोर्स का एक्सचेंज है, M1 ने F1 फोर्स से M2 को धक्का मारा, तो M2 ने एक रिएक्शन फोर्स लगाया क्या F2. तो मैं ये कह सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो M2 ने एक्शन रिएक्शन फोर्स लगाया रहेगा, वो रिएक्शन फोर्स क्या होगा, नेगेटिव ऑफ F1, यानी जो M1 ने M2 पर फोर्स लगाया. बराबर है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ. अब न्यूटन का सेकेंड लॉ का भी बात कर लेते हैं. सेकेंड लॉ के हिसाब से फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मां. ठीक है, फोर्स क्या होता है, मां. तो ये हो जाएगा M और F2, तो ये क्या हो जाएगा, A2 एसेलरेशन. यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एम, और ये क्या हो जाएगा हमारा, A1. F2 है तो एसेलरेशन A2, F1 है तो एसेलरेशन A1. ठीक है, और यहाँ पर ये F2 है तो ये मास M2 हो जाएगा, ये M2 हो जाएगा. बराबर, फोर्स F2 है तो मास M2, यानी M2 मास ने लगाया है, और ये किसने फोर्स लगाया है, ये मास M1 ने लगाया. तो ऐसा कुछ दिखेगा ये. और ये कहाँ से आया, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आया ये बात. ठीक है, अब आप फर्स्ट चैप्टर में चले जाओ, और वहाँ पर आपने एसेलरेशन के बारे में पढ़ा है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, M2 इनटू A2 जो है वो हो जाएगा A2. एसेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी, A2 के लिए V2 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी U2 हो गया, और टाइम क्या हो गया भाई, टाइम जो टकराव है वो सेम टाइम पर है, तो टाइम T ही रहेगा दोनों ही जगह पर, अपॉन T इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस M1. एसेलरेशन क्या होगा, एसेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो फाइनल वेलोसिटी है V1, इनिशियल वेलोसिटी है U1, और टाइम है T. ठीक है, अब नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा भाई, ये टी और ये टी हो गया कैंसिल. अब ऊपर क्या बचा, M2 V2 minus M2 U2, और यहाँ पर क्या बचा, -M1 V1 और माइनस ऑफ माइनस प्लस M1 U1. बराबर है, तो अब जो इनिशियल वाला है इनिशियल को बुलाएगा, और फाइनल वाला जो है वो फाइनल को बुलाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो है M2 V2, तो M2 V2 बुलाएगा किसको, M1 V1 को. तो M2 V2 कॉलिंग M1 V1, तो ये हो जाएगा M2 V2, और M1 V1 इधर आया तो प्लस M1 V1 इज इक्वल टू, और यहाँ पर कौन बचा है, M1 U1, वो किसको बुलाएगा, वो अपने साथी को बुलाएगा. तो M1 U1 कॉलिंग M2 U2, M1 U1 कॉलिंग M2 U2, तो M2 U2 जो ये माइनस में है उधर जाएगा, तो किस में हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस M2 U2. अब इसको अरेंज कर लो, देयरफॉर M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2. अगर इसको आपको उल्टा करके और लिखना है, तो आप इसे फाइनली ऐसा भी लिख सकते हैं, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2. तो भाई हमने ये प्रूव कर दिया क्या, कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ये बात हमने प्रूव कर दिया. ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है. ठीक है, इस टॉपिक के साथ आपका जो ये चैप्टर है वो एंड हो जाएगा, थ्योरी पार्ट. न्यूमेरिकल्स के लिए ये सारे टॉपिक्स लगेंगे. बराबर, तो
तो हम वहाँ पर रिवाइज़ करते रहेंगे।